हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुमित कुमार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 8 जो है गेज और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर 4 चल रहेगा। इस लेक्चर 4 में मेरा चौथा क्लास है, इसमें आप फीलर गेज के बारे में जानकारी आपको मिलेगा कि फीलर गेज क्या होता है। तो आइए, फीलर गेज एक क्या है, एक चेकिंग डिवाइस है। जो भी गेज है सारा चेकिंग डिवाइस ही है, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम लोग, तो फीलर गेज में देख रहे होंगे बहुत सारा पत्ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का जो है आपका बीच का जो गैप रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि अलाउंस को चेक करते हैं, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के अलाउंस को हम लोग, यानी कि गैप को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, पहला बार फीलर गेज में क्या लिख सकते हैं कि यह एक चेकिंग डिवाइस है, पहला बात। दूसरा क्या लिखिएगा कि दूसरा बात इसमें लिख सकते हैं कि इस गेज को एक और नाम से जानते हैं, इस गेज को हम लोग क्या बोलेंगे, थिकनेस गेज। तो ये भी लिखिए कि इस गेज को थिकनेस गेज भी बोलते हैं, ठीक है। इस गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस गेज, क्योंकि थिकनेस चेक करता है इसलिए नाम ही पड़ गया थिकनेस गेज। फिलर गेज ही अधिकतर हर जगह फिलर गेज, लेकिन एक नाम और है थिकनेस गेज, ठीक है, ये याद रखना है होगा आपको। अब इसका मटेरियल क्या चीज का बनता है, तो ये कार्बन स्टील का बना होता है, ये भी कार्बन स्टील की पत्ती का बना होता है। तो ये भी लिखिए कि इस गेज का मटेरियल कार्बन स्टील का होता है, यानी कि कार्बन स्टील का बना होता है। इसका मटेरियल क्या होता है, कार्बन स्टील का होता है। तो तीन बात आप जाने कि ये एक चेकिंग डिवाइस है, सारा गेज चेकिंग डिवाइस ही है। दूसरा है कि इसको क्या बोलते हैं, थिकनेस गेज भी बोलते हैं। तीसरा बात है ये कि ये कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। चौथा आप बात है कि इसका उपयोग, इसमें लिखिए इस गेज के द्वारा हम क्या बोले कि दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप होगा उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स नहीं चेक कर सकता है, सिर्फ फिलर गेज को ही आपको लगाना होगा वहां पर। तो ये फिलर गेज के द्वारा संभव है उसका गैप को चेक करना, ठीक है। तो इस गेज के द्वारा हम किसी दो पार्ट्स के बीच बने गैप को, यानी कि अलाउंस को, गैप और ब्रैकेट में लिख दीजिए, अलाउंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। फिलर गेज के बारे में थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा जानकारी रखना होगा। क्यों, क्योंकि गेज में प्लग गेज और फिलर गेज ज्यादा पूछता है, ठीक है। जहां भी आप आईटीआई का एग्जाम में बैठिएगा या फिर आईटीआई पास करने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, तो फिलर गेज देता ही देता है, चाहे उसका काम पूछ ले, उसका इस मटेरियल को पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है फिलर गेज के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला है कि फिलर गेज जो ये पत्ती सब दिख रहा है आपको, तो इसका कुछ लेंथ होगा, लेंथ के बारे में जानकारी लीजिए पहले कि इस गेज की पत्ती की लंबाई
लंबाई 75 mm, 75 mm से 300 mm तक लंबा मिलता है, 75 से 300 mm तक मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका लंबाई, 75 mm वाला भी मिलेगा, और वर्क के हिसाब से हमको लंबा पत्ती वाला चाहिए तो 300 mm तक का पत्ती का मिलेगा। अब आ जाइए इसका चौड़ाई, इसका ब्लेड का जो चौड़ाई होगा प्रत्येक ब्लेड का, प्रत्येक पत्ती का एक ही साइज का रहता है चौड़ाई, ठीक है। चाहे आप 300 mm वाला लंबा वाला लीजिए या 75 mm वाला छोटा वाला फिलर गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चौड़ाई पत्ती का एक ही मिलेगा, ठीक है। तो चौड़ाई भी जानिए कि इस गेज की पत्ती यानी कि ब्लेड की चौड़ाई, पत्ती को मिटा दीजिए दोनों जगह, ब्लेड लिख लीजिए, ब्लेड की लंबाई हो गया, ब्लेड की चौड़ाई कितना बोले 12 mm होती है, चौड़ाई जो होगा उसका ब्लेड का चौड़ाई 12 mm का होगा, ठीक है। अब आ जाइए कि ये हो गया, इसका अलाउंस हो गया, इसका मटेरियल हो गया, ये थिकनेस गेज भी बोलते हैं इसको, और इसका जो लंबाई होगा 75 mm से 300 mm तक होगा, और इस गेज का जो ब्लेड का जो चौड़ाई होगा वो 12 mm का होगा, ठीक है। अब इसका वर्क भी जान रहे हैं कि दो पार्ट्स के बीच का अलाउंस को चेक कर रहा है, तो ये किस फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, कहां कहां होगा, तो ये इसमें लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल एक ऑब्जेक्टिव बनता है, कभी कभी पूछ देगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक कौन सा गेज का उपयोग होता है, तो फीलर गेज का होता है, इसीलिए लिख दे रहे हैं आपको, इसका इस्तेमाल अधिकतर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अधिक होता है, ठीक है। तो जैसे आपका प्लग है, जो गाड़ी में जो प्लग लगता है उसका जो स्पार्किंग का जो पॉइंट जो रहता है उसका जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका भी डिस्टेंस मतलब सही होना चाहिए, तो उसका डिस्टेंस को चेक करना हो तो किससे चेक करेंगे, फिलर गेज से या थिकनेस गेज से चेक करेंगे, पिस्टन वगैरह का जहां या फिर कोई मैचिंग पार्ट्स बन रहा है, जैसे कि ये देखिए ITI का फीटर में हम लोग का ऐसा वाला मैचिंग पार्ट्स तैयार होता है जॉब, ये भी जो प्रैक्टिकल का जो जॉब बनता है हम लोगों का, तो ये भी कोई मशीन का अंदर का पार्ट्स ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका भी अब पूरा टाइट रहेगा ये, तो क्या होगा ना, हमको मैच कराने में दिक्कत होगा, और मैच अगर एक बार हो गया तो फिर ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ अलाउंस रखा जाता है, ठीक है। उस अलाउंस को चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ कुछ गैप रहता है, इस गैप में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिलर गेज को घुसा के फिर हम लोग चेक करते हैं कि इसका गैप को, ठीक है। तो इस तरह के कोई मैचिंग पार्ट्स के बीच का गैप को चेक करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग फिलर गेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो लिखा हुआ सब है, ठीक है, उसका जो मतलब थिकनेस होता है, ये तो हो गया आपका लंबाई 75 mm से 300 mm तक लंबा ब्लेड मिलेगा, ये हो गया चौड़ाई, सबका एक ही रहता है ब्लेड का 12 mm, लेकिन इसका जो mm में जो इसका थिकनेस रहेगा, थिकनेस अलग अलग रहेगा, क्योंकि हमको तो थिकनेस ही चेक करना है ना, तो सब ब्लेड का थिकनेस अलग अलग होता है, ठीक है। तो मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, तो मिनिमम जो होता है 0.03 mm से मैक्सिमम 0.1 mm तक जाएगा, ठीक है, यानी कि 30 माइक्रोन मिनिमम
और 1000 माइक्रोन अधिकतम वो थिकनेस को चेक करता है, कौन? फिलर गेज। ठीक है, तो ये भी लिखिए कि इसका इसका ब्लेड ब्लेड की थिकनेस कितना 0.03 mm से कहां तक जाएगा 0.1 mm तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सबसे पतला 0.03 यानी कि 30 माइक्रोन का लाएगा ये, और 0.1 mm यानी कि 1000 माइक्रोन तक जाएगा। 30 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन तक का आप थिकनेस को चेक कर सकते हैं फिलर गेज के द्वारा। और ब्लेड में अलग अलग एमएम में भी दिया है, किसी में ऐसा भी मिलता है कि कभी कोई कोई ब्लेड में मिलेगा कि एमएम और इंच दोनों में दिया रहता है, और किसी किसी में सिर्फ एमएम में दिया रहेगा। ठीक है, तो यही है इसकी ब्लेड का जो थिकनेस है ये है। और एक बात है कि ये जो ब्लेड है, इस जो ब्लेड का होल्डर है, ये चार तरह का मतलब इसमें गुच्छा रहता है ब्लेड का संख्या के हिसाब से। ठीक है, चार प्रकार का होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो एक ठो में 8 ब्लेड रहेगा, ब्लेड की संख्या, ब्लेड नंबर। ठीक है, इसमें मेजरिंग जो कर सकते हैं एमएम में कितना से कितना तक रहेगा वो बता देंगे आपको। एक ठो में 9 रहता है, 9 ब्लेड वाला रहेगा, एक में 16 ब्लेड वाला रहेगा, एक 13 ब्लेड वाला आपको होल्डर मिलेगा फिलर गेज का। ठीक है, अब एमएम से एमएम तक सब में स्टार्ट होगा वही 0.03 से 0.03 से स्टार्ट होता है, सब में मिलेगा आपको ये वाला, सबसे कम थिकनेस वाला भी सब में मिलेगा। लेकिन एक जो 8 को ब्लेड वाला होता है ये 0.10 mm तक जाएगा। सही है, ये 10 तक जाएगा। एक होता है 0.9 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1 mm तक मिला, ये सबसे मोटा भी मिल जाएगा 8 ब्लेड में, आइए 9 तक जाएगा, 0.09 तक जाएगा। 9 पत्ती वाला जो ब्लेड वाला होगा वो 0.03 से इतना तक जाएगा, 0.9 तक जाएगा। अगला है 0.50 तक जाएगा ये। और 13 ब्लेड वाला जो गुच्छा का होल्डर जो रहेगा वो 0.5 यानी कि आधा माइक्रोन 0.5 तक जाएगा। ठीक है, 500 माइक्रोन तक ये जाएगा, यानी 30 माइक्रोन से लेकर मतलब यहां तक जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है चार तरह का सेट मिलता है आपको मार्केट में। ठीक है, 8 पत्ती वाला मिलेगा, 8 ब्लेड वाला स्ट्रिप वाला मिलेगा, 9 स्ट्रिप वाला आपको मिलेगा, आपको 16 स्ट्रिप का ब्लेड वाला मिलेगा होल्डर मिलेगा, आपको 13 स्ट्रिप का ब्लेड का होल्डर मिलेगा। आपको याद रखने वाला बात, सारा बात याद रखना होगा। ठीक है, इसमें एक तो आप छोड़ सकते हैं, ये वाला पहला वाला चेकिंग डिवाइस है, गेज तो चेकिंग डिवाइस है ही, लेकिन दूसरा बात याद रखना होगा कि इसको थिकनेस गेज भी बोलते हैं। तीसरा बात है क्या कि ये कार्बन स्टील का बना होता है, मटेरियल भी पूछ सकता है आपसे। चौथा बात है कि इसमें इसका काम क्या है, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप है उसको चेक करना है। चौथा हो गया। पांचवा बात यह है कि इसका लंबाई जो ब्लेड का होगा 75 mm से 300 mm तक जाएगा, 75 mm से लेके
300 mm तक इसका लंबाई होता है ब्लेड का, इसका चौड़ाई जो होगा ब्लेड का 12 mm का होगा, और इसका जो थिकनेस होगा 0.03 से लेके 0.1 mm तक इसका थिकनेस होता है, और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में अधिकतर इसका उपयोग होता है। तो इतना चीज आपको याद रखना है, इसका ब्लेड का लंबाई याद रखना होगा, इसका ब्लेड की चौड़ाई याद रखना होगा, और थिकनेस में कहां से कहां तक जाता है ये याद रखना होगा, और प्लस ये काम क्या करता है बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आज फिलर गेज के बारे में आपको जानकारी मिला हो और थोड़ा आप सेटिस्फाइड हुए हैं। तो सेटिस्फाइड अगर हो गए हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगला टॉपिक में, एंगल या रेडियस को लेकर आते हैं। धन्यवाद।